जिस बिजनेस की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ वो आपकी लाइफ से अंधकार को मिटा देने वाला है और रोशनी को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर करने का मौका देगा। देखिए, बिजनेसेस बहुत सारे होते हैं लेकिन अपने तरीके का बिजनेस चूज करना भी एक कला होती है। हाय, हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड आई वेलकम यू ऑल टू फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल। कैंडल मेकिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप शुरू करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे कहीं ना कहीं आपको एक रोड मैप जरूर मिलने वाला है, क्योंकि रिसर्च मैंने पक्की की है एंड हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी वीडियो मैं आपके लिए रेडी कर रही हूँ उसमें रिसर्च पक्की हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैंडल्स आज के ज़माने में सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि यू नो होम डेकोर पर्पज़ से भी यूज़ की जाने लगी हैं। चाहे मैं फाइव स्टार होटल्स की बात कर लूँ जिसमें अलग अलग फ्रेग्रेंस की यू नो बहुत ही एग्जॉटिक कैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एक रोमांटिक प्रपोजल के लिए कैंडल्स का अरेंजमेंट ही क्यों ना हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप यू नो 70,000 से लेके 80,000, इनफैक्ट मैं बोलूँगी 1,00,000 के अंडर अगर कोई बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कैंडल मेकिंग बिजनेस बेस्ट रहने वाला है। तो यू नो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस तरीके की डिटेल्स है, किस तरीके की टेक्निक को यूज़ करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं यहाँ पे लोन की भी बात करने वाली हूँ। इसकी प्रोसेस की बात अगर करूँ तो मटेरियल्स और टूल्स जो यूज़ होंगे उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यू नो डिस्कशन है। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली वैक्स चाहिए यानी कि मोम, मशीन या फिर उससे रिलेटेड मोल्ड्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि कैंडल्स को किस तरीके से बनाया जाता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी आप किसी बिजनेस को यू नो स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, और साथ साथ एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस यानी कि जहाँ पर आपका काम होगा, जहाँ पर आपकी लेबर बैठ के काम करेगी। तो वैक्स, थ्रेड्स, कलर्स और आपकी चॉइस ऑफ ऑयल्स की ज़रूरत आपको इस बिजनेस में पड़ेगी ही। एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं बात कर लेती हूँ जो है कि आपकी यू नो अगर एक्सपेंसिव या फिर रिच लुकिंग कैंडल्स आप बनाना चाहते हैं तो इसमें आप एक टिप दे रही हूँ एक्स्ट्रा कि आप पेपरमिंट या फिर यूकेलिप्टस या फिर लैवेंडर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चॉइस पूरी पूरी आपकी है कि आप किस तरीके की कैंडल्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं। आप सिंपल मोमबत्तियाँ बनाना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा सा हाई प्रोफाइल यू नो टीजी को अगर आप कैंडल्स बेच रहे हैं तो उसमें आप फ्रेग्रेंसेस को भी ऐड कर सकते हैं। नो कैंडल्स बनाने के लिए कैंडल मेकिंग मशीन की ज़रूरत होती है तो उसके लिए आपको अलग से मोल्ड्स भी खरीदने पड़ेंगे। अगर आप कैंडल्स को शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए मोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड अगर उनके प्राइस या फिर मशीन की इंफॉर्मेशन की मैं बात करूँ वो गूगल पे इजीली मिल जाएगी, लेकिन मैंने थोड़ी सी रिसर्च यहाँ पे की है जिसमें 60,000 रुपये में आपको एक सेमी ऑटोमेटिक कैंडल मेकिंग मशीन इजीली मिल जाएगी मार्केट से। आप चाहे तो होलसेल शॉप से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप इसकी शॉपिंग कर सकते हैं। तो कुछ मशीन्स के साथ आपको फ्री मोल्ड्स यानी कि सांचे भी मिलते हैं, लेकिन अगर आपको यू नो फैंसी कैंडल्स बनानी है तो उसके लिए अलग से मोल्ड्स की शॉपिंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे आजकल फ्लोरल डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, फ्लोटिंग कैंडल्स का बहुत अच्छा मार्केट इस वक्त इस्टेब्लिश हो चुका है, तो उसके लिए आपको अलग से एक यू नो मोल्ड्स का एक सेगमेंट बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मिल जाएंगे वो आपको बाजार में ईजिली। फिर उसके बाद कोई डिज़ायर्ड शेप आप देनी है तो आप टेक्निक यू नो उसकी बात कर लेती हूँ, वो बनेगी कैसे। तो सबसे पहले जो टेक्निक आप यूज़ करेंगी उसमें पहले धागा आपने लेना है जो आप मोल्ड के अंदर डालेंगी, उसके बाद मोम को मेल्ट करके उस मोल्ड में आपने डालना है। नाउ ध्यान रहे कि ओवरहीट करके मोम को ज़्यादा यू नो आप जलाएं ना, एक लिमिटेड टेम्परेचर पर ही आपको मोम को मेल्ट करना है, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। नाउ हर मोल्ड में मेल्टेड वैक्स को अच्छे से आप भर दें और इस बात का ख्याल यू नो आपको ख्याल रखना है कि बीच में स्पेस या गैप्स ना हो। 10 to 20 minutes का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा जब तक आपकी मोम सूख रही है, और जैसे ही आपकी मोम सूख जाती है तो आपको जो एक्स्ट्रा धागा है उसको काट लेना है। तो इस तरीके से एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बोलूँगी आपकी कैंडल जो है वो रेडी हुई है। लेकिन अब आप चाहें तो इसमें फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं, खुशबूदार कैंडल्स जिनको यू नो बाजार में जो एक्स्ट्रा दामों पे बिकती है, तो चाहे तो एसेंशियल ऑयल्स आप इसमें ऐड कर सकती हैं, एग्जांपल के तौर पे यूकेलिप्टस हो गया, पेपरमिंट ऑयल हो गया, लैवेंडर ऑयल हो गया, जो बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंसेज हैं जो इस वक्त बाजार में जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इनमें कलर्स भी ऐड कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब बारी आती है यू नो टेक्निक समझने के बाद जो सबसे काम की बात होती है वो होती है पैसों की। अगर आप लोन लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहती हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बिज़नेस को पहले तो रजिस्टर करवा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से आप ही का फ़ायदा होने वाला है, आप गवर्नमेंट से हेल्प ले सकती हैं। अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो आप गवर्नमेंट से भी हेल्प ले सकती हैं,
शॉप लाइसेंस लेने के बाद आप अपने बिजनेस को MSME में रजिस्टर करवा के गवर्नमेंट स्कीम्स के फायदे भी बहुत आसानी से उठा पाएंगे। लोन्स में स्पेशली बिजनेस कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट मुद्रा लोन भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप उसके बारे में भी यू नो थॉट देना चाहते हैं वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मुद्रा लोन की इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एक कोटेशन रेडी करना होगा जिसमें कैंडल मेकिंग बिजनेस में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और आपकी पूरी लागत कितनी होने वाली है यू नो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। अगर तो वो एक्सेप्ट हो गया तो आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको एक बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बता पाऊँ कि किस तरीके से कैंडल मेकिंग बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन अगर आप यू नो बारीकी से समझना चाहती हैं और डेप्थ में समझना चाहती हैं कि कैंडल मेकिंग बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मेरा सजेशन है कि आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे 399 रुपीज से स्टार्ट हो रहे हैं कोर्सेज और एक पूरा कैंडल मेकिंग बिजनेस पे एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसपे आप सारी A to Z समझ पाएंगी। तो सोचिए मत, अगर आपने ठान लिया है कि आपने इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो मैं आपको यही कहूंगी कि फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने बिजनेस की जर्नी को आज ही शुरू कीजिए। एंड यस, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।